का रोड़ा, बागमती ने कुंभा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुंभा तोड़ा। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं, टीओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही? मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं तो कुछ नहीं होता। तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य ही आप खत्म कर लिए। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं। तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या हुआ? देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी, जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थीं, लाखों की कंपनियां थीं, उनको कम दाम में बेच दिया, जहां से आपको रोजगार मिल सकता था वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया, जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं, धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में आपके जज्बातों से जुड़ी होती है, धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता, ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें, चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं, चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते, जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं, तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है? ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति है जो आज देश में चल रही है, इनमें से आपको कौन सी चुननी है? आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपकी जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है, या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे? कि एक तरह से यही हो रहा है देश में, घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है, जो आपको दिया गया, यही चीज थी, ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा, दिया क्या दिया?
45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, और बेरोजगारी है फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ। सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको घर। देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर होने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार, और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाल ली जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य आप खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बार इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गांव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे, और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है इस तरह का काम करके दिखाते हैं, तब उन पर मजबूरी होती है कि वो भी अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं, उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी योजनाएं दी इन्होंने जब इनकी सरकार थी, ईआरसीपी का जो वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया है अभी तक? बहनों और भाइयों, मसला साफ है। मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य, और इसी पर उनका ध्यान है। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुंभा तोड़ा। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुंभा तोड़ा। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं, कहते हैं कि
किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, टीओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही है? मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं तो कुछ नहीं होता। तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य आप खत्म कर लिए। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं। तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या हुआ, देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी, जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थी, लाखों की कंपनियां थी, उनको कम दाम में बेच दिया, जहां से आपको रोजगार मिल सकता था वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया, जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं, धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में आपके जज्बातों से जुड़ी होती है, धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता, ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें, चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं, चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते, जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं, तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति है जो आज देश में चल रही है, इनमें से आपको कौन सी चुननी है, आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपकी जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है, या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे, कि एक तरह से यही हो रहा है देश में, घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए, ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी, ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा, दिया क्या दिया, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, और बेरोजगारी है फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार,
आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको घर? देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर होने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार, और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाल ली जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य आप खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बार इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गांव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे, और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है इस तरह का काम करने करके दिखाते हैं, तब उन पर मजबूरी होती है कि वो भी अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं, उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी योजनाएं दी इन्होंने जब इनकी सरकार थी, ईआरसीपी का जो वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया है अभी तक? बहनों और भाइयों, मसला साफ है। मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य, और इसी पर उनका ध्यान है। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुंभा तोड़ा।